हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रिपिफाई एस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज़ एनालिसिस टुडे। तो देखिए, आज 14 दिसंबर है और देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है आज। सबसे पहले संकल्प प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये फुल फॉर्म इज द स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर द लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो इसमें वर्ल्ड बैंक का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, तो छोटा सवाल यहाँ पे बन सकता है कि इसमें किसका फाइनेंशियल असिस्टेंस है। तो संकल्प जो प्रोजेक्ट है उसमें वर्ल्ड बैंक का $250 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ इंडिया का। एंड प्रोजेक्ट टू सपोर्ट लाइवलीहुड वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग आर्म, जो वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है, हमने इसके बारे में पहले भी देखा था, IBRD जो उसकी विंग है, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो नॉर्मली जो डेवलपमेंट वगैरह के प्रोजेक्ट्स में ये लोन असाइन करती है लोगों को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को खास करके, तो उसमें IBRD का रोल है। और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च 2023 का है, मतलब 2013 तक का टारगेट रखा गया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू इन्हांस द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज एक्सेस टू क्वालिटी एंड मार्केट रेलिवेंट ट्रेनिंग फॉर द वर्कफोर्स। तो इसमें लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और मार्केट क्राइसिस प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट के लिए काम करना, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होता है उसको लेकर के आना, मतलब स्किल बेस्ड जितनी भी ट्रेनिंग होती है जिससे कि जो आम लोग हैं जिनको कोई रोज़गार मिल पाए, मतलब वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग, इस टाइप की चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जॉब मिले यूथ को, उसके लिए जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे भी स्किल्स दिए जाने चाहिए, वो इस प्रोजेक्ट्स में दिए जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वर्ल्ड बैंक इज़ इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है ट्रिगर टू एस, अब आप देख लीजिए इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे। ये जो ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ग्रीन रिवोल्यूशन पर है ये प्रोजेक्ट। और ये जो ट्रिगर टू एस है, दैट इज़ अ न्यू लार्ज स्केल मल्टी पार्टनर प्रोजेक्ट। इसका एम है टू डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सेकेंड मोर सस्टेनेबल ग्रीन डेवलपमेंट एंड टू डिलीवर दिस थ्रू अ शूट ऑफ रिसर्च प्रोग्राम, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स एंड एजुकेशन एक्टिविटीज़। इसका उद्देश्य है कि जो ऐसे ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जितने भी रिसर्च प्रोग्राम होने चाहिए या ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाने चाहिए, जो भी एजुकेशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। और इसमें इंडिया के साथ यूके बेस्ड एक NGO है जो कि काम करने जा रही है। तो पार्टनरशिप है किसका? यूके की एक NGO है और इंडिया, इन दोनों का पार्टनरशिप है आपस में। एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एम्पावर द वुमेन फार्मर्स बाय हेल्पिंग देम टू इंक्रीज एग्रीकल्चर इनकम। तो किस तरीके से वुमेन जो फार्मर्स हैं उनको इंक्रीज़ करना, मोटिवेट करना थ्रू इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि हमारे या ना माने हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है आज भी, और उनके पास भी कहीं ना कहीं रोज़गार की बहुत कमी हो गई है, रिसोर्सेज की कमी हो गई है, और जो बदलता हुआ मानसून है उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे पूरे इंडिया पे। तो उसके लिए उसको थोड़ा कर्ब करने के लिए या जो वुमेन फार्मर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए भी ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी हेल्प करेगा। सेकेंडली, द स्टेट रिसोर्सेज एंड सर्विसेज एंड नॉलेज आर द इक्वली एक्सेसिबल टू द वुमेन। तो अब ध्यान से देखिए कि इस प्रोजेक्ट में खास करके वुमेन्स को शामिल कराया जा रहा है, वुमेन्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है कि किस तरीके से उनको एक मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, उनको बिजनेस से जोड़ा जाए, उनको एग्रीकल्चर से जोड़ा जाए। एंड दीज क्रॉप्स, देखिए, द प्रमोशन ऑफ क्रॉप्स ऑफ मिलेट्स फॉर ह्यूमन फूड दैट इज़ मेनली यूज इन द एमिक। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये कही जा रही है कि कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जैसे कि मिलेट्स जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनमें क्लाइमेट रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो एडवर्स सिचुएशन में भी उस सिचुएशन को अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ पे खास करके इंडिया में कि ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो एनिमल्स को खिलाए जाते हैं, उसका सेवन नॉर्मल ह्यूमन बींग जो है वो नहीं करते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि इसको थोड़ा सा प्रमोट करना, तो जब बढ़ोतरी मिलेगी या जब प्रमोशन मिलेगा तो फिर जो नॉर्मल लोग हैं, लाइक जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है या बहुत एडवर्स सिचुएशन में वो जी रहे हैं, तो उन वो भी अपना जो पालन पोषण है वो इजीली कर पाएंगे। तो इनका कॉन्सेप्ट है कि साइंस को सोशल साइंस से जोड़ करके इस इंटरवेंशन का एक बहुत अच्छा उपयोग किया जाए और जो इंडियन फार्मर्स और उनकी कम्युनिटीज़ हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम हेल्प पहुँचाया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट भी, याद रखिए। और इसके कुछ बेनिफिट्स अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो है, ये है कि मिनिमाइजिंग फूड वेस्टेज,
एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड रिसोर्सेज, तो इंडिया में जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो, फूड वेस्टेज कम से कम किया जाए, एंड विल प्रमोट इक्वल ट्रीटमेंट टू वुमेन इन फार्मिंग. जैसा कि हम लोगों ने भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसमें ज़्यादा फोकस वुमेन एम्पावरमेंट पर दिया गया है कि इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल पार्टिसिपेशन वुमेन का होना चाहिए फार्मिंग में भी. And also the minimizing and the case of the malnutrition and overweight cases. तो ये कहीं पर malnutrition है तो कहीं पर overweight की problem है, उसको balance करना, उसको ठीक करना इसका उद्देश्य है. Increasing farmers' income and stopping the case of farmers' suicide. तो ऐसे millets वगैरह जैसे crops को बढ़ावा दे करके अगर उसकी फसलें उगाई जाएँ तो जो ऐसे farmers हैं जो suicide करने के condition में आ जाते हैं उनको suicide नहीं करना पड़ेगा. और यानी उनको जो farmers हैं भी इंडिया में उनको प्रमोट करना, एक फेवरेबल सिचुएशन में लेकर के जाना इसका उद्देश्य है. एंड ऑल्सो इट इज़ आयरॉनिकल दैट इंडिया हैविंग लार्ज एग्रीकल्चर एंड लैंड इज अनेबल टू हेल्प इट्स फार्मर फ्रॉम सुसाइड एंड इंक्रीजिंग मालन्यूट्रिशन. तो ऐसा क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड भी है और एग्रीकल्चर की सुविधाएं भी हैं, लेकिन फिर भी फार्मर्स को पूरी पूरी हेल्प नहीं मिल पा रही है और बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड कर ले रहे हैं, मालन्यूट्रिशन का शिकार हो जा रहे हैं. तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट जो है बहुत हेल्प करेगा. नेक्स्ट न्यूज़ है प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाइल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है. उन्होंने कहा है कि जितने भी ऑनलाइन साइट्स हैं, ऑनलाइन सर्च इंजन्स हैं जैसे कि गूगल, याहू एंड माइक्रोसॉफ्ट, इनको जो ये लोग एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं इसका, लाइक टू फाइनलाइज अ मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट द मटेरियल वायलेटिंग इंडियन लॉज प्रोहिबिटिंग प्री नटाइल सेक्स डिटर्मिनेशन. तो सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी टेक्निक्स आते हैं, उनका ये लोग काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं. तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया. उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी काम आप लोग या कोई भी ऐसे सर्च इंजन पे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते जो इंडिया में किसी बने हुए एक्ट को प्रोहिबिट कर रहे हों, उसको तोड़ रहे हों. तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक इलीगल क्राइम है, उस वजह से उस क्राइम मतलब इनको भी पूरी तरीके से रोका गया है, जो रिसर्च इंजन है उनको. अब इसमें बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है. देखिए, अल्ट्रासाउंड की टेक्निक जब आई थी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा 1990s में इसको पॉपुलैरिटी मिली थी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी. उसके बाद इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया था. तो ना, आपको पता है, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि इंडिया में खास करके एक बहुत पैट्रियार्कल माइंडसेट आज भी है कहीं ना कहीं, और ये जो फीमेल फेटिसाइड का केस आता है आज भी देखने को मिलता है. तो इस वजह से यहाँ पे जब 1990 में अल्ट्रासाउंड का टेक्निक कराया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और इसका बहुत मिसयूज़ होने लग गया. और लोगों ने फिर इसका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बहुत यूज़ किया. एंड इसका जो इम्पैक्ट रहा वो ये रहा कि जब 2011 में सेंसस आया तो उसमें पता चला कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें बहुत अंतर आ गया है. यानी कि 1919 का रेशियो आ गया है गर्ल का, जबकि वो 2001, यहाँ पे 2001 है, 2001 में ये 1997 के रेशियो में था. मतलब ये और कम होता चला. ये जो PCPNDT एक्ट है ये लाया गया था 1994 में. और इसका अगर बैकग्राउंड आप देखना चाहें तो ये है कि जब अल्ट्रासाउंड टेक्निक आया 1990 में तो बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हुआ, बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड हुआ, चारों तरफ फैला, और इसका लोगों ने बहुत मिसयूज़ किया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए. और इसका जो रिज़ल्ट था वो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया इन सोसाइटी में, अगेंस्ट वुमन हुआ ये, और जो फीमेल फेटिसाइड है उनकी केसेस और लगातार बढ़ते चले गए. और जब 2011 में इसका सेंसस किया गया तो पता चला कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो जो कि 1990 तक पहुंच चुका था, जो कि 2001 में 927 पे था, यानी कि 1000 की बात की जा रही कि 927 गर्ल चाइल्ड थी 1000 लड़कों पे, यानी कि 1000 बॉयज़ पे 927 लड़कियां थीं. और इसकी हालत थोड़ी और नाजुक हो गई जब 2011 का सेंसस देखा गया. तो अब इसके पहले की बात करें तो ये PNDT एक्ट जो 1994 में आया था उसमें ये क्लियर कट बोला गया था कि जो ये इसको रेगुलेट करने के लिए था कि प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक जो है फोर जो था इट वाज पॉज्ड पास इन 1994 टू स्टॉप फीमेल फेटिसाइड एंड अरेस्ट द डिक्लाइन सेक्स रेशियो इन द कंट्री. तो उसमें क्लियर किया गया कि ये फीमेल फेटिसाइड को स्टॉप करने के लिए इस एक्ट को लाया गया उस वक्त 1994 में.
लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें थी, कुछ खामियां जिसकी वजह से इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. उसका एक मेन रीज़न था दैट इट डिड नॉट स्पेसिफाई द टेक्निक्स ऑफ सेक्स सेलेक्शन एंड इट डिड नॉट ब्रिंग ऑल टेक्निक्स विद इन इट्स एम्बिट. तो इसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स जिसका इस्तेमाल किया गया और इसका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. फिर 2003 में इसका एक अमेंडमेंट आया, पीएनडीटी का ही एक अमेंडमेंट आया जिसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर की गई और उसी पे जो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है ये इसी एक्ट के तहत आया है. और इस एक्ट में ये क्लियर कर दिया गया दैट द एक्ट नॉट ओनली प्रोहिबिट्स डिटर्मिनेशन एंड ऑल्सो डिस्क्लोजर ऑफ द सेक्स ऑफ द फिटस बट ऑल्सो बैन एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द प्री कंसेप्शन एंड द प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. कि ये जो प्रोहिबिशन और तो किया ही गया डिटर्मिनेशन को लेकर के, मतलब आप जानना चाहते हैं अगर पहले कि उसमें फीमेल फीमेल है या फिर मेल है तो वो प्रोहिबिट किया गया पूरी तरीके से. लेकिन इसमें एडवर्टाइजमेंट को भी बैन किया गया और इसी के बेसिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है. तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप आंसर लिख पाएँ. PCPNDT एक्ट 2003 में ये अमेंडमेंट आया था, PNDT का एक्ट जो 1994 था उसका अमेंडमेंट इसमें किया गया था और उसमें ये सारी बातें क्लियर की गई थी एंड इंक्लूडिंग द न्यू क्रोमोसोम सेपरेशन टेक्निक हैव कम अंडर दिस एम्बिट ऑफ द एक्ट. मतलब जो जो चीज़ें इसके एक्ट के दायरे से बाहर थी उसको इसके दायरे में लेके आया गया एंड रेगुलेट द यूज ऑफ द प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स सच एज अल्ट्रासाउंड एंड एमिनोसेंटेसिस. ये जो भी ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए उसको बैन किया गया एंड दे सोनोग्राफर्स आर अलाउड ओनली टू यूज़ अल्ट्रासाउंड फॉर द फॉलोइंग डायग्नोटिक्स. मतलब कुछ ऐसी बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तभी डायग्नोसिस किया जा सकता है और उसमें ये सारी चीज़ें हैं. अगर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तभी डायग्नोसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ये क्लियर किया गया है इस एक्ट के तहत और इसी एक्ट के तहत अभी वर्डिक्ट आया है तो क्लियर रखना है आपको. नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक कॉम्पैक्ट. तो अभी एक मीटिंग हुई है, ये फोर्थ ट्राइलेटरल मीटिंग है ये एंड ये दिल्ली में हुई है एक्चुअली. इसमें इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था और एक कोलैबोरेशन की बात की गई कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो इंडियन ओशन या फिर अदर रीजंस का जो में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो जहाँ तक बात है उसमें अवेयरनेस को लेकर के आना और कंट्रीज़ मिली हैं. इनका उद्देश्य था कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म और मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ को और इम्प्रूव करना, अवेयरनेस फैलाना इसके बारे में. तो इंडो पैसिफिक कॉम्पैक्ट में ये तीनों देश हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. फिर दिल्ली में हुआ है ये मीटिंग, ये एक ट्राइलेटरल मीटिंग थी विच इज़ कालवरी टू बी इंडक्टेड इन टू नेवी टूडे. द नेवी विल इंडक्ट फर्स्ट मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन इन टू द फ्लीट एंड द फर्स्ट स्कॉर्पियन सबमरीन कालवरी इन मुंबई. तो देखिए नेवी को अभी पहला स्कॉर्पियन सबमरीन दिया गया और कालवरी के बारे में जान लेते हैं. विल बी द मोस्ट मॉडर्न नॉन न्यूक्लियर सबमरीन. ये नॉन न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि नेवी के पास है एंड पावर्ड बाय द एक्सट्रीमली साइलेंट डीजल इलेक्ट्रॉनिक मोटर. तो इसकी खासियत ये है कि इसको वाटर में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही आसानी से ये दुश्मन पे वार कर सकती है, इसको कोई ढूंढ नहीं सकता, ये इसकी खासियत है. एंड द सबमरीन इज़ आर्म्ड विद अ हैवी वेट टॉर्पेडोज. तो टॉर्पेडोज हैं इसमें एंड एंटी शिप्स मिसाइल्स भी हैं. तो ये सारी इसकी खासियत है. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कालवरी का जो नाम है, कालवरी ये एक टाइगर शार्क पे रखा गया है, याद रखिएगा, इन मलयालम टू रिफ्लेक्ट इट्स एगिलिटी एंड द स्ट्रेंथ and the predator powers. तो जो इसकी खासियत है उसको देखते हुए इसका नाम रखा गया कालवरी, जो कि एक टाइगर शार्क है. एंड इट इज़ अ डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक सबमरीन विच इज़ डिज़ाइन बाई द DCNS फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड बींग मैनुफैक्चर्ड एट मेजागांव डॉक लिमिटेड. तो इसको मुंबई में मेजागांव डॉक लिमिटेड जो है उसके द्वारा बनाया गया, मैनुफैक्चर किया गया है और डिज़ाइन एक फ्रेंच नेवल डिफेंस और कंपनी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन था कल का, उसका आंसर देख लेते हैं. ये INS अरिहंत के बारे में मैंने बात की थी. अब अगर आप लोगों ने ठीक से क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो देखिए ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई गलती नहीं है. लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट. तो जब बात इनकरेक्ट की आ गई इसका मतलब कि सारे करेक्ट है, राइट. तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ देम. नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वच्छ भारत स्वच्छ बच्चे प्रोग्राम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ. किसका इनिशिएटिव था, तो सही आंसर है केंद्रीय विद्यालय संगठन. और इसका लास्ट क्वेश्चन था मिशन रेट्रोफिटमेंट के बारे में. तो देखिए इसमें भी सारे जो दोनों स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी हेयर एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच. कीप